आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर शहर भाजपा द्वारा महिला मोर्चा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में इंदौर शहर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा द्वारा महिला कार्यकर्ताओं को कार्य विभाजन कर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2019 को लेकर इंदौर भाजपा द्वारा तैयारियां जोरों पर है। भाजपा का अभेद किला माने जाने वाली इंदौर लोकसभा सीट को लेकर एक बार फिर भाजपा ने जमीनी स्तर पर जनसंपर्क की योजना तैयार की। इसी कड़ी में इंदौर भाजपा कार्यालय पर महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा ने आगामी दिनों की कार्य योजनाओं के बारे में चर्चा की। जो महिला मोर्चे की बैठक हो रही है, ये हर वार्ड से एक बहन इसमें हमने बुलाई है। ये आने वाले 10 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार और सरकार के किए हुए काम, इनके पत्रक लेके हर वार्ड में परिवार से संपर्क करेगी और अपनी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के कामों के बारे में उनसे चर्चा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम योजनाएं हर परिवार तक पहुंचाने का काम ये महिला मोर्चे की बहनें करेगी। इंदौर लोकसभा सीट देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन लगातार 8 बार से सांसद हैं, लेकिन इस बार सियासत भी बदली है और लोगों का मिजाज भी। ऐसे में भाजपा आगामी चुनाव में इस सीट को हल्के में लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है, लिहाजा तैयारियों को लेकर कमर कस ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।